सीरियल होने वाला है और अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताइए। यार सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी इस वक्त एनर्जी बहुत हाई है क्योंकि वी जस्ट वॉच्ड आर फर्स्ट एपिसोड, पहला एपिसोड आज जो आया था। आदत से मजबूर कैसा शो है, हमारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। मेरा कैरेक्टर का नाम जेडी है जो गुजरात से है। समीक्षा सैम जो कि हरियाणा से है। मेरा नाम हरेश है और शो में मेरा नाम रंजन है जो कि एक लातूर से है। मेरा नाम मनोज पंडित शर्मा है और मेरे शो में कैरेक्टर का नाम है सनी शर्मा जो दिल्ली से है। मेरा नाम सना है और मेरा कैरेक्टर नेम है रिया। मेरा नाम मैं बोलना भूल गया था, I'm so sorry। मेरा नाम ऋषभ चड्ढा है। जानते हैं। हाय दिस इज ऋषभ चड्ढा। हां मैंने भी नहीं बताया था, फिर मेरा नाम वंशिका है। या सो बेसिकली आपके सवाल पे आते हैं तो इट्स अ यंग शो, यूथ बेस्ड शो है, ऑफिस ड्रामा है एंड इट्स फॉर एवरीवन, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। या आई थिंक नो वन हैज गॉट होल्ड ऑफ यू नो अ फिक्शन व्हिच हैज यू नो यू हैव सीन लव स्टोरी, यू हैव सीन फ्रेंड्स, यू लाइक फ्रेंड्स एज इन पहली दोस्ती, बट हमारा शो एक ऐसा शो है जिसमें हमने पहली नौकरी के बारे में बताया। सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट एंड से दैट यू नो जब आप पहली यू वर्क एट अ प्लेस तो आप कैसे दोस्तों से यू नो यू मेक फ्रेंड्स एंड देन वही दोस्त आपका जॉब एंड एवरी थिंग दे ट्राई टू स्टील एंड ऑल दैट। सो वी हैव ट्राई टू कंक्लूड दिस थिंग कॉल्ड फ्रेंडमीज। तो अब आगे आपको देखने के लिए मतलब स्टोरी देखनी पड़ेगी। और सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगा कि दिस होल शो ना इज अ वेरी क्लीन कॉमेडी, ऐसा कुछ भी बिलो द बेल्ट या पन इंटेंडेड या या टू हार्ड करेक्ट या टू मेक पीपल हंसी आई तो ग्रेट, अगर स्माइल भी आई तो वी आर वेरी हैप्पी मेकिंग श्योर दैट आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। सर पर कब सर, कब बहुत टाइम हो गया ना। ऑफिस ऑफिस में ऑफिस वाज नॉट अबाउट ऑफिस रिलेशनशिप्स। ऑफिस ऑफिस में हर एपिसोड में वही कैरेक्टर्स अलग कैरेक्टर्स प्ले करते थे, हम हर एपिसोड में वही हैं जो हम हैं और हम लोगों की रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड होती है, किस तरह से फिर उसमें दुश्मनी भी आती है, फिर दोस्ती भी आती है, तो बेसिकली ये हमारी जर्नी है। एंड आल्सो इट्स अ मोर यंगर यू नो कास्ट, तो आई थिंक दैट इज आल्सो फ्रेश इन अ वे, सो इट्स ग्रेट। ओके वैसे कैरेक्टर की बात की जाए तो हर एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए कोई अलग अलग सी आदत दी गई है, जैसे कि आपने बताया कि आप काफी मॉडर्नाइज्ड हैं, यू नो लक्जरी टाइप है, आप संस्कारी हैं, आप टॉमबॉयश हैं, सो टेल मी समथिंग इन डिटेल अबाउट इट। वेल कैरेक्टर की स्पेसिफिक पर्सन को क्यों दिया गया? क्यों दिया गया आई डोंट नो बिकॉज आई थिंक वी ऑडिशन वेल फॉर आर पार्ट्स, बट जेडी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही जुगाड़ू है, ही इज मनी माइंडेड, ही स्ट्रीट स्मार्ट, चालाक है, और क्यों दिया गया है अब पता नहीं। वेल आई थिंक इसीलिए भी दिया गया बिकॉज हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो क्रिएटर्स हैं, उन लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर की कि क्योंकि हम सब एक ही एज ग्रुप के हैं लेकिन हम सब अलग अलग लगने चाहिए, तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब की अलग अलग दी गई हैं स्पेसिफिकली, जिस तरह से कहा कि ये जुगाड़ू हैं, कोई टॉम बॉय है, कोई शो ऑफ है, कोई संस्कारी है, सो बेसिकली आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऑफिस में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो आई थिंक इसीलिए सबको अलग अलग इस तरह से शेड्स दी गई हैं। आई थिंक सब टीवी ने हमारे कैरेक्टराइजेशन को भी वैसे अगर इफ़ यू सी वी स्टार्टेड विद अ टीज़र ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर, लाइक इफ रियाज आदर्श बास, सनी शो ऑफ, सो उन सबको एक यू नो एक कैरेक्टराइजेशन दे के हमने वो टीज़र पहले लॉन्च किया एंड देन वी लॉन्च्ड अ प्रोमोज एंड एवरीथिंग, सो वी हैव टू you know we want audience to like the characters. dekhne mein to fir first show ho gaya, kafi interesting raha, is tarah ke comedy show aur bhi hai yahan pe, chidiya ghar band ho chuka hai abhi, dekha jata hai tarak mehta ka ulta chashma chal raha hai sir, kisi ke sath kaam sir, competition nahi hai na, kitna pressure hai sir, pressure tv ka dekha jata hai, fir comedy karna aur plus comedy ka ek difficult task hota hai, correct please bhi kitna ye नो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हाँ कॉमेडी एज अ जॉनर आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लोगों को हंसाना मुश्किल है, राइट, और सब टीवी पे हाँ बहुत सारे शोज़ हैं यार, पर आई मीन हाँ कॉमेडी पे डिपेंड तो करता है बट आई थिंक हर होल अप्रोच, हमारा पोस्टर से लेकर हमारे प्रोमोज, हमारी मार्केटिंग जो भी है, जितना भी हमने किया है ना, वो बहुत ही फ्रेश है एंड एज आई सेड यूथ बेस्ड है, तो आई थिंक वी आर मोर अप्रोचेबल एंड रिलेटेबल फॉर द यंगर ऑडियंस, और ऐसा नहीं है कि फैमिली हमको इन्जॉय नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स हाँ एग्जैक्टली द सेम थिंग जो उन्होंने कही है कि अलग है क्योंकि एक तो यंग ऑडियंस के लिए है मगर एट द सेम टाइम, और मुझे नहीं लगता कि ऑफिस कॉमेडी एज सच, जैसे हमारी पहले भी बात हुई है कि ऑफिस कॉमेडी कोई हुई है एज सच, कोई शो अभी आ रहा है एट दिस मोमेंट एंड इन फैक्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सो या दैट इज वॉट मेक्स अ डिफरेंट। और एक चीज़ जैसे कि कैरेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है आपने खुद नहीं बोल दिया कि ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ नहीं है, नहीं इन द सेंस कि उसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, और हर एक जो कैरेक्टर लग रहा है तो उसका अपना एक फील, मज़ा आ रहा है उसमें। वेल यही है कि जहाँ तक आपने बात की दूसरे शोज़ की,
तो आई थिंक हम लोगों का उन शोज से कोई एज सच कंपैरिजन नहीं है. येस, कॉमेडी एक डिफरेंट बहुत डिफिकल्ट जॉनर है, हंसाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक हमारे जो क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया, एक साल से भी ऊपर से काम किया हुआ है एक एक कैरेक्टर पर काम करने के लिए. हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम अपने जोन में अब बैठ गए हैं, तो आई थिंक ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा. आई मीन लिसन, वी आर नॉट, हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन तो कर नहीं रहे. हम चाहते हैं कि हम, यू नो, हम पांच यंग लोग हैं, हमारी केमिस्ट्री जितनी पर्सनल लाइफ में है उतनी अगर हम ऑन स्क्रीन भी दिखाएं तो आई थिंक ऑडियंस, फॉर मी व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए. हम यहाँ पे किसी से कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे. आई थिंक ऑडियंस अगर हमें पसंद करेगी, अरे रिया ऐसे, अरे जे डी ऐसा, सो आई थिंक हमें वो सेटिस्फिकेशन बहुत मज़ा आएगा. करेक्ट. सर सिर्फ नहीं यार, ऑनेस्टली ऑन अ वेरी सीरियस नोट ना, हम सब मस्ती करते हैं, हम सब हंसी मजाक करते हैं, और ऐसा कुछ खास झगड़ा हमारा ऑन सेट है नहीं, क्योंकि पहली बात बताऊँ वक्त नहीं है, ठीक है. और आई थिंक कॉमेडी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे खुद के रिलेशंस बहुत ही, मतलब देख रहे हैं राइट साइड पर, अगर अगर कैमरा आपका वाइड फ्रेम में है ना तो वहाँ से उनका चल रहा है, मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं इतना वाकिफ हूँ उनसे. हाँ तो अच्छा, ये ऐसे थोड़ी बहुत मस्ती खिंचता नहीं, चलती रहती है. बट सभी इक्वल है सर, मैं बता रहा हूँ, कोई ऊपर नीचे है ही नहीं, इट्स ऑल इक्वलाइज्ड, क्योंकि सारे सेम एज है, तो ऐसा कुछ ये नहीं है, स्ट्रेस नहीं है. फाइनली बॉम्बे में किसी तो ने पूछा, मतलब हमारी आदतें, यार मैं पहले भी कह चुका हूँ मुझे ना खाना पीना बहुत पसंद है, तो मतलब अब मेरे सामने बिरयानी या ऐसा कुछ रख दो ना तो मैं रोक नहीं सकता खुद को, तो आई थिंक खाने पीने की आदत से मैं तो मजबूर हूँ. अरे ब्रिलियंट, ऑल टाइम फूडी. वंशिका, या हाँ यार, एक्चुअली आई थिंक आई हैव थोड़ा सा ओसीडी है, नॉट एग्जैक्टली क्लिनलीनेस या परफेक्शन को लेके, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही होनी चाहिए. एज दे ऑलवेज से आई ऑलवेज हैव आई मीन कैरी अ सैनिटाइजर वेयरएवर आई गो, तो हमेशा खाने से पहले, उससे पहले, तो वो एक आदत है जो आई विश नहीं होती. मेरी आदत क्या, तुम बता दो. तुम दोनों ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, हद से ज़्यादा ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट है कि गंदी डर लगता है, डर लगता है हमको. तारीफ नहीं सर, ये कुछ भी बोलता था किसी को भी, बस बस बिना सोचे समझे. आपको एग्जांपल दूं, एक बार क्या हुआ था ना, इनके इनके अभी इनकी बारी है, इनकी आदत से पूछो. आदत ये कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं थोड़ा. एक सेकंड, ये जो शीशा दिख रहा है इसमें, ये इसमें भी दिख रहा है ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं थोड़ा, और आई थिंक थोड़ा सेल्फ कंट्रोलिंग भी ज्यादा ही हूं, कुछ थोड़ा ज्यादा कंट्रोल करता हूं हर चीज में, तो आई थिंक ये मेरी आदत है. शीशे में भी देखता है ये, बहुत बार शीशे में देखता है. सना की कौन सी आदत है? मैं आई थिंक मेरी सना झगड़ा करती है, इनकी ये आदत है. नहीं नहीं, मैं अपनी शॉपिंग की आदत से थोड़ी परेशान हूँ, सो आई थिंक आई हैव टू कंट्रोल ऑन दैट. नो, व्हेनेवर आई गो आउट आई वांट टू शॉप समथिंग, सो व्हेनेवर आई एम फ्री, व्हेनेवर आई एम अपसेट, व्हेनेवर आई समथिंग आई वांट टू शॉप, सो आई थिंक वो एक आदत है जो मुझे कंट्रोल करनी है, मतलब इतना भी नहीं ना. फाइनली सर, आनंद सर है. यस, यार पता है हम लोग को ना ऐसे था फॉर अ मोमेंट, ये सिचुएशन पता है एक्चुअली हमको ना कुछ करना ही नहीं पड़ा, उन्होंने हमको इतना कंफर्टेबल फील करवाया है. इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने ट्राई भी नहीं किया कंफर्ट फील कराने के लिए, ही इज़ सो सीनियर, बट एक मोमेंट के लिए भी आपको ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो रूम में वेट करते हैं, क्यूज करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, और बहुत ही ईजी एनवायरमेंट. अब ना हम जैसे एक दूसरे के साथ है ना, वैसे ही हम अनंत सर के साथ हैं. वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं कि सीनियर एक्टर है वो है कैसे रहे, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल किया उन्होंने, उन्होंने किया हमें. करेक्ट. वेल, आनंद जी के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, मैंने 2002 में उनके साथ एक शो किया था, घर वाली ऊपर वाली नाम का, जो वो डायरेक्ट करते थे, तो आई थिंक मैंने तो उनके साथ पहले भी, बिकॉज मैंने काम किया तो मुझे पता है वो किस तरह के हैं. बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, अपने कैरेक्टर को सीरियसली लेते हैं, और कहीं भी उनकी लाइफ में कहीं पर भी ऐसा नहीं कि वो सीनियोरिटी दिखाएं या मैं सीनियर हूँ या नहीं नहीं ये नहीं करेंगे. आई थिंक ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, सो इट्स रियली नाइस टू वर्क विद सच पीपल. आई थिंक अनंत सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो आई थिंक अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम. या ऑफ कोर्स, आई मीन द सेम थिंग, क्योंकि वो एज ही सेट, जब वो सेट पे होते हैं ऐसा लगता नहीं है कि यू नो ही नेवर थ्रोज इट वेट अराउंड एंड एनीथिंग, वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, एंड ही हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो. बैठे बैठे अचानक वो जोक मार देंगे एंड यू रियलाइज ओके
उनको फनी लगे नहीं लगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोक मार देते हैं, makes him happy, which is good. He's very sweet. He's an animal lover also, of course. And yeah. मतलब thank you so much. Thank you. It is really light, fresh, fun laughter, simple ride. तो बहुत ही प्यारा शो है. This is the first episode. अभी तो इतना hilarious है, तो I'm sure जितने episodes और होंगे और story इनकी आगे बढ़ेगी उतना ही प्यारा शो और होगा. So I think मैं ही क्यों इसका आनंद उठाऊँ. आप सब देखिए, please watch आदत से मजबूर 7:30 PM only on Sab TV. किसी को नहीं पसंद है, किसको नहीं पसंद. नो आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, लेकिन मेरे मूड स्विंग्स होते हैं. कभी मैं बहुत बोलती हूँ, कभी मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, कभी मैं बहुत हंसती हूँ. सो बट मूड फिक्स नहीं होता, हंसने के लिए हमेशा मूड होता है. हॉट कॉफी विद स्ट्रॉ, ये मेरी आदत है. मजबूर नहीं, राइट ना होने, टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर बहुत हो. हाँ, सो ये थोड़ी गलत आदत है. अभी शो अच्छा चल रहा है, देखा जाता है, काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं फैंस, इंपॉर्टेंस रखता है ऑडियंस का रिएक्शन. ऑफ कोर्स वही इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज वही हमारा शो चला रहे. आज हम 2 की टीआरपी पे फाइनली पहुंच गए. सो रियली थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए. ऐसे ही देते रहिए और इन्हें भी देते रहिए, दे आर रियली डिजर्विंग. एंड आई रियली होप द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, द होल आदत से मजबूर टीम एंड उड़ान टीम.